हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट का पार्ट फर्स्ट। तो देखो, इस चैप्टर में अपन को सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ना है। लिक्विड और गैस स्टेट जो थी वो अपन ने 11th केमिस्ट्री में की थी। तो देखो, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो सॉलिड स्टेट से पहले अपन एक जनरल इंट्रो ले लेते हैं। सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट कितनी होती है, तीन आप सब जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और ये जो तीन जो स्टेट होती है, उस स्टेट का जो मेन डिफरेंस होता है वो है कि पार्टिकल के बीच का जो इंटर पार्टिकल डिफरेंस है वो ये डिसाइड करता है कि सब्सटेंस सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस। अगर पार्टिकल जो है वो इतने क्लोज है एक दूसरे के जितने की पॉसिबल हो सकते थे, तो उनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस होगी तो वो कैसे होंगे, सॉलिड। अगर इंटरमीडिएट डिस्टेंस है तो लिक्विड, और अगर इंटर पार्टिकल डिस्टेंस मैक्सिमम है तो उसे क्या कहेंगे, गैस। तो देर आर थ्री फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, एंड द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री स्टेट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। अगर इंटर पार्टिकल डिस्टेंस मिनिमम है तो सॉलिड, इंटरमीडिएट है तो लिक्विड, और मैक्सिमम डिस्टेंस है तो क्या कहेंगे, गैस। और भी डिफरेंस है लेकिन ये मेन जो क्राइटेरिया होता है, आगे देखते हैं। देखो, देर आर टू अपोजिट फैक्टर दैट डिसाइड, ये थ्री स्टेट को डिसाइड करता है, एक इंटरमोलिक्यूलर फोर्स और एक क्या होती है, थर्मल एनर्जी। तो देखो, जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो ट्राई करता है कि पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस को क्या करे, कम, ट्राई टू ब्रिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एट देयर क्लोजेस्ट अप्रोच। जबकि उनकी जो थर्मल एनर्जी या जो उनकी एनर्जी जो होगी वो ट्राई टू इंक्रीज द इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस। बोले तो ये पार्टिकल को पास में लाना चाहता है, जबकि थर्मल एनर्जी पार्टिकल को क्या करना चाहती है, दूर करना चाहती है। ठीक है, अब इन दोनों में से जिसका इफेक्ट ज्यादा होगा, सपोज करो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स का इफेक्ट ज्यादा हो गया तो पार्टिकल एक दूसरे के एकदम पास में आ जाएंगे और कैसी स्टेट हो जाएगी, सॉलिड स्टेट। अगर थर्मल एनर्जी का इफेक्ट ज्यादा हो गया तो पार्टिकल एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, वो लिक्विड या गैस स्टेट में हो जाएंगे। ठीक है, अब ये इंटरमोलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो पर्टिकुलर सब्सटेंस के पार्टिकल के बीच में फिक्स होता है, जितना होता है उतना ही। चेंज क्या हो सकती है, थर्मल एनर्जी, जो कि किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। थर्मल एनर्जी उतनी ही ज्यादा होती जाएगी जितना टेम्परेचर ज्यादा होता जाएगा। तो एक सर्टेन लो टेम्परेचर पे, अब लो टेम्परेचर है तो थर्मल एनर्जी कम होगी, तो कौन ज्यादा होगा, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगा, और इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगा तो वो पार्टिकल को एक दूसरे के पास में लेके आ जाएगा, और स्टेट कैसी होगी, सॉलिड स्टेट। कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम सिंपल। और एक सर्टेन हाई टेम्परेचर पे, एक फिक्स हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, थर्मल एनर्जी, जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे थर्मल एनर्जी बढ़ेगी, और एक सर्टेन हाई टेम्परेचर पे ये थर्मल एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाएगी इंटरमोलिक्यूलर फोर्स से कि पार्टिकल जो होंगे वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे चले जाएंगे जितना हो सकता है, और उस स्टेट पे अपन को ये कैसी मिल जाएगी, गैस स्टेट। क्या मिल जाएगी, लिक्विड नहीं है, कौन सी स्टेट मिल जाएगी, गैस स्टेट। ठीक है, अब लिक्विड स्टेट कहां गई, जब इनके इंटरमीडिएट कंडीशन होगी तो क्या आएगी, लिक्विड स्टेट। आप नीचे यहां नोट कर लेना, बिटवीन दीज टू और जो इंटरमीडिएट स्टेट होगी उस पे सब्सटेंस कैसा बिहेव करेगा, कैसा बिहेव करेगा, लिक्विड स्टेट में। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे चलते हैं। तो सो कंपटीशन बिटवीन थर्मल एनर्जी एंड इंटरमोलिक्यूलर फोर्स डिटरमाइन वेदर अ गिवन सब्सटेंस इज सॉलिड, लिक्विड और गैस। मतलब थर्मल एनर्जी और इंटरमोलिक्यूलर फोर्स के बीच में जो ये कंपटीशन है वो डिसाइड करेगा सब्सटेंस सॉलिड, लिक्विड या गैस है। अगर थर्मल एनर्जी बहुत ज्यादा है तो गैस स्टेट, अगर इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है तो सॉलिड स्टेट, और दोनों ही इंटरमीडिएट है तो लिक्विड स्टेट। हालांकि चेंज कौन होगा, थर्मल एनर्जी होगी, क्योंकि वो टेम्परेचर से कम ज्यादा होती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। ये सब आपने पढ़ रखा है, सिर्फ एक रिवाइज कर लेते हैं, अपनी बुक में दे रखा है, मैं बुक का कोई पॉइंट छोड़ना नहीं चाहता। ठीक है, तो देखो प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, सबसे पहला है सॉलिड हैव डिफाइनाइट वॉल्यूम और शेप। देखो आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि लिक्विड, सॉलिड और गैस का जो मेन डिफरेंस है वो किसके बेस पे कर सकते हैं, शेप और वॉल्यूम के बेस पे। सॉलिड जो होते हैं उनके शेप फिक्स रहते हैं और वॉल्यूम भी फिक्स होता है। लिक्विड जो होता है उसका वॉल्यूम फिक्स होता है लेकिन शेप फिक्स नहीं होता, शेप कंटेनर के हिसाब से हो जाता है। जबकि गैस जो होता है उनका वॉल्यूम और शेप दोनों ही कंटेनर के हिसाब से क्या होता है, चेंज हो जाते हैं। तो सॉलिड क्या होंगे, डिफाइनाइट वॉल्यूम और डिफाइनाइट शेप के होंगे। सॉलिड जो होते हैं हार्ड, रिजिड होते हैं और इनकम्प्रेसिबल, मान सकते हैं उनको इनकम्प्रेसिबल। बोले तो प्रेशर लगाने पर ऑलमोस्ट उनके पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस बिल्कुल चेंज नहीं होगी, ऐसा समझ सकते हैं। ऐसे एकदम परफेक्टली इनकम्प्रेसिबल तो नहीं कह सकते, पर फिर भी ठीक है। दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, उनके बीच में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होता है, जिसकी वजह से इंटर पार्टिकल डिस्टेंस क्या होती है, मिनिमम होती है।
कॉन्स्टेंट पार्टिकल जो होते हैं वो एक फिक्स पोजीशन पे होते हैं, जैसे ये पहला पार्टिकल, ये दूसरा, ये तीसरा, एकदम फिक्स पोजीशन पे होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं समझना है कि वो स्टेशनरी है। देखो सब्सटेंस के, ये भी आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा कि हर मैटर की हर स्टेट और हर सब्सटेंस के पार्टिकल मूव करते हैं, तो ये भी मूव करते हैं। इनका मूवमेंट ऐसे ऑसिलेटरी मोशन होता है, वाइब्रेटरी मोशन कह सकते हैं। तो ये अपने जो पोजीशन पे, मीन पोजीशन के इर्द गिर्द क्या करते रहते हैं, ऑसिलेट करते रहते हैं। ठीक है, सॉलिड जनरली है हायर डेंसिटी कंपेयर टू देयर लिक्विड और गैस स्टेट। अगर एक ही सब्सटेंस की तीनों स्टेट निकाली जाए, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो सॉलिड स्टेट में उनकी डेंसिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, लिक्विड में फिर, और गैस में सबसे कम। लेकिन एक सब्सटेंस ऐसा होता है जो बहुत ही कॉमन सब्सटेंस है, जिसकी लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड स्टेट से क्या होती है, ज्यादा होती है। आप बता सकते हैं कोई, तो कमेंट सेक्शन में लिखना। नेक्स्ट है कि जो सॉलिड जो होते हैं वो हाई डेंसिटी के तो हो गए, ड्यू टू लो काइनेटिक एनर्जी। अपन ऊपर भी डिसाइड कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं कि इनकी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी कम होती है। अब इन कम काइनेटिक एनर्जी की वजह से इनका डिफ्यूजन जो होता है बहुत ही स्लो होता है, मतलब इतना स्लो होता है कि अपन रियल लाइफ में ऑब्जर्व भी नहीं कर पाते सही ढंग से। सबसे आसानी से डिफ्यूज कौन होते हैं, गैस, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट है टू फैक्टर विच कैन कॉज चेंज इन स्टेट। ऐसे दो फैक्टर बताओ जिसकी वजह से फिजिकल स्टेट चेंज हो सकती है। तो एक तो आप सब देख चुके हैं टेम्परेचर, दूसरा क्या होता है, प्रेशर। टेम्परेचर बढ़ाने से पार्टिकल की डिस्टेंस में इंक्रीमेंट होता है, इस वजह से स्टेट चेंज होती है, और प्रेशर लगाने पर पार्टिकल की डिस्टेंस में कमी आने लगती है, इस वजह से चेंजेज होते हैं। तो दो ऐसे फैक्टर है, चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन प्रेशर, इससे अपन क्या कर सकते हैं, स्टेट में चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते हैं, मेल्टिंग पॉइंट आपने बहुत बार पढ़ा है, अगेन बुक में दे रखा है तो मैं छोड़ना नहीं चाहता। मेल्टिंग पॉइंट क्या है, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड कन्वर्ट इंटू लिक्विड। वो टेम्परेचर जिसके ऊपर सॉलिड किसके अंदर कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाए, उसे अपन क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। और वो पर्टिकुलर टेम्परेचर क्या कहलाएगा, मेल्टिंग पॉइंट, और ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, मेल्टिंग। कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आप ये नोट कर लीजिए, जस्ट इंट्रोडक्शन था चैप्टर का, फिर अपन आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट करते हैं अपन क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। तो देखो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड में जो पहला अपना क्लासिफिकेशन है वो है बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। इसके बेस पे जो सॉलिड जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसको एमोर्फस सॉलिड, सुडो सॉलिड और हाइपरकूल्ड लिक्विड, बहुत सारे नाम है। ठीक है, तो ये दो कैटेगरी होती है। अब इनमें जो मेनली जो मेन डिफरेंस जो है इन दोनों में वो है कि उनके कॉन्स्टेंट पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसा है। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं उनके कॉन्स्टेंट पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होता है वो फिक्स होता है, और वो जो रेगुलर अरेंजमेंट है वो लंबी डिस्टेंस तक वैसा का वैसा ही रहता है। बोले तो लॉन्ग रेंज के लिए वो क्या होता है, अरेंजमेंट जो होता है वो फिक्स होता है। ऐसे सॉलिड को अपन क्या कहेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो कॉन्स्टेंट पार्टिकल हैव डिफाइनाइट और रेगुलर 3D अरेंजमेंट, वो भी लॉन्ग रेंज के लिए, उसे अपन क्या कहेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और अगर ये अरेंजमेंट फिक्स ना हो तो उसे अपन क्या कहेंगे, एमोर्फस सॉलिड। और अगर अपन ऐसे भी कहते कि उनका भाई अरेंजमेंट फिक्स भी है तो भी वो वेरी शॉर्ट डिस्टेंस के लिए क्या होता है, फिक्स होता है, जिसे अपन ऐसे नहीं समझ सकते कि भाई लंबी डिस्टेंस के लिए वो अरेंजमेंट क्या रह रहा है, रेगुलर रह रहा है। दूसरा पॉइंट, अगर इनका अरेंजमेंट रेगुलर होगा तो उनकी जो बाउंड्री जो होगी वो भी एक सर्टेन शेप की होगी, इसलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्या होता है, वेल डिफाइंड ज्योमेट्रिकल शेप होता है। देखो अब जो आगे सारे पॉइंट जो है वो इसी पॉइंट पे बेस्ड है कि उनका अरेंजमेंट रेगुलर है या नहीं। अब इनका ज्योमेट्रिकल शेप क्या होता है, वेल डिफाइंड, जबकि इनका कोई फिक्स ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, सपोज करो कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है और इसमें ये दो तरह के पार्टिकल है, रेड और ग्रीन तरह के, और इनका अरेंजमेंट फिक्स है, एक रो जो है वो रेड कलर की, एक ग्रीन, एक रेड ग्रीन, रेड ग्रीन, और इक्वल डिस्टेंस पे, सब एकदम रेगुलर अरेंजमेंट है। ठीक है, अब अगर मैं किसी एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन पे जाऊं और पार्टिकल का पैटर्न देखूं, तो देखो यहां से यहां पर जा रहा हूं तो पार्टिकल का पैटर्न कैसा आ रहा है, एक रेड एक ग्रीन, एक रेड एक ग्रीन, एक रेड और एक ग्रीन, जबकि ऊपर से या नीचे जाऊं तो ऐसे या तो सारे ग्रीन समझ सकता हूं या सारे रेड समझ सकता हूं। इसका मतलब रेगुलर अरेंजमेंट होने की वजह से, ध्यान से सुनना, रेगुलर अरेंजमेंट होने की वजह से अलग अलग डायरेक्शन में पार्टिकल का पैटर्न क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है।
और इसी वजह से क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह, वो अलग अलग डायरेक्शन में क्या आते हैं, अलग अलग आते हैं। इस चीज को क्या कहते हैं, एनिसोट्रॉपी। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन इन सेम क्रिस्टल, इट इज नॉन एज एनिसोट्रॉपी, या इसे एनिसोट्रॉपिज्म भी कहते हैं। और इसका रीजन क्या है, ड्यू टू रेगुलर अरेंजमेंट दे हैव डिफरेंट पैटर्न ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग आएगी, और कारण है कि अलग अलग डायरेक्शन में जाने पर पार्टिकल का जो पैटर्न है वो अलग अलग आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जबकि यहां जो एमॉर्फस सॉलिड जो होंगे उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी वो सारी डायरेक्शन में, मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में लगभग लगभग एक जैसी ही होगी। इस पॉइंट को क्या कहेंगे, आइसोट्रॉपी। और ऐसा क्यों, जैसे ये एक एमॉर्फस सॉलिड है, इसमें पार्टिकल का कुछ फिक्स्ड अरेंजमेंट तो है नहीं, तो अगर मैं इस तरफ से इस तरफ जाऊं या इस तरफ से इस तरफ जाऊं, पार्टिकल का जो पैटर्न है वो लगभग लगभग एक जैसा ही है। ठीक है, और लगभग लगभग एक जैसा है तो जो फिजिकल प्रॉपर्टी भी है वो इससे इस डायरेक्शन में और इससे इस डायरेक्शन में भी क्या आएगी, एक जैसी आएगी। इसको कहेंगे आइसोट्रॉपी या आइसोट्रॉपिज्म। ठीक है, तो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव सेम वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन इन सेम क्रिस्टल, इसे क्या कहेंगे, आइसोट्रॉपी। और ये क्यों होता है, इरेगुलर अरेंजमेंट होने की वजह से अगर अलग अलग डायरेक्शन में जाए तो लगभग लगभग एक जैसे ही पैटर्न आ रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं मेल्ट एट शार्प एंड करेक्टरिस्टिक्स टेम्परेचर। मतलब एक क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर अपन गर्म करें तो वो पहले सिर्फ उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और एक सर्टेन पॉइंट पे वो उसी पॉइंट पे सॉलिड से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड से लिक्विड में। जस्ट सपोज करो कि एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो उसका फिक्स एक मेल्टिंग पॉइंट होगा, सपोज करो वो 200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब उसे मैं हीट देने लगूंगा तो पहले उसका टेम्परेचर जीरो से बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन उसका एक भी पार्टिकल, मतलब एक भी पोर्शन लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। फिर 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही वो पूरा का पूरा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। मतलब वो एक सर्टेन पॉइंट पे किसमें कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में या मेल्ट हो रहा है। तो इसको क्या कहेंगे, उनका एक फिक्स पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट होगा और वो उस फिक्स पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही किसमें कन्वर्ट होगा, लिक्विड में। लेकिन जो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनका ऐसा नहीं होता। जैसे प्लास्टिक वगैरह जो होते हैं जब उनको गर्म करते हैं तो थोड़ा सा गर्म करते ही उनका कुछ पोर्शन जो है वो मेल्ट होने लग जाता है, और वो पूरा का पूरा जो प्लास्टिक होगा वो पूरा कब मेल्ट होगा, एक सर्टेन टेम्परेचर पे ना होके पूरी एक रेंज पे टेम्परेचर होगा मेल्ट होगा सॉरी। जैसे सपोज करो कि वो मेल्ट होना स्टार्ट होता है 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो 50 डिग्री से लेकर वो पूरा मेल्ट होना लगभग लगभग होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। मतलब 50 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो क्या होता गया, मेल्ट होता गया। तो एक रेंज ऑफ टेम्परेचर में वो क्या होगा, मेल्ट होगा। ऐसा नहीं होगा कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही उसका सारा का सारा फॉर्म क्या हो गया, मेल्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं उन्हें जब अपन कट करते हैं किसी भी चीज से कट करें तो जो नई सरफेस बनती है वो स्मूथ और रेगुलर सरफेस होती है, इसे कहते हैं क्लीन क्लीवेज। जैसे आयरन का कोई आर्टिकल है उसे अपन किसी भी चीज से कट कर दे तो जो नई जो चीज बनेगी उसकी जो न्यू सरफेस होगी एकदम शाइनिंग और एकदम कैसी होती है, स्मूथ सरफेस होती है, उसे अपन क्या कहेंगे, क्लीन क्लीवेज। जबकि एमॉर्फस सॉलिड को जब अपन ऐसे कट करना चाहे या तो वो बिखर जाते हैं बिल्कुल, और या फिर जो नई सरफेस बनती है कटने के बाद जो नए पीस बनेंगे उनकी जो सरफेस होगी वो कैसी होगी, इररेगुलर होगी। कैसी होगी, इररेगुलर, इसे कहेंगे क्लीन क्लीवेज का नहीं होना। नेक्स्ट, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं उनके कूलिंग कर्व जो होते हैं वो डिसकंटिन्यूअस होते हैं। अब इस कूलिंग कर्व को समझने से पहले टेम्परेचर का इफेक्ट समझना। देखो सपोज करो कि ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड था और यहां पे उसका कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर था, जब मैं उसे टेम्परेचर देता हूं तो पहले उसका टेम्परेचर बढ़ता ही जाता है बढ़ता ही जाता है, फिर एक सर्टेन टेम्परेचर उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता लेकिन वो सॉलिड से किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में। ठीक है, ऐसा किस वजह से होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वजह से। आपने पढ़ा होगा एक सर्टेन हीट वो एब्जॉर्ब करते हैं लेकिन उस समय टेम्परेचर चेंज नहीं होता, वो अपनी स्टेट को चेंज कर लेते हैं, उसके बाद फिर अगर और गर्म करूं तो वो सॉलिड से लिक्विड में तो यहां हो चुके हैं, अब उस लिक्विड का भी टेम्परेचर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, इसके बाद अगर मैं और टेम्परेचर दूं तो वो सर्टेन हीट जो है वो एब्जॉर्ब करेंगे, टेम्परेचर तो बढ़ेगा नहीं, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, गैस में।
तो इसका मतलब उनका जो गर्म होना और वापस इसको अगर मैं रिवर्स डायरेक्शन में देखूं तो बोले तो ठंडा होना कूल होना वो दोनों ही कैसे होते हैं, डिसकंटिन्यूअस होते हैं, बीच बीच में क्या होते हैं ऐसे फ्लैट लाइन आती है, जबकि इनका जो कूलिंग कर्व होगा वो कैसा होगा, कंटिन्यूअस कूलिंग कर्व होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने जो पॉइंट है वो है कि ये जो होते हैं वो कंपैरेटिवली ज्यादा रिजिड होते हैं और ये जो होते हैं इतने रिजिड नहीं होते। इन क्रिस्टलाइन सॉलिड को ही ट्रू सॉलिड कहेंगे और अपन इस चैप्टर में क्रिस्टलाइन सॉलिड की ही स्टडी करेंगे, जबकि ये वाले जो सॉलिड है इन्हें सूडो सॉलिड कहते हैं। सूडो मतलब फॉल्स, सॉलिड मतलब सॉलिड, मतलब ये एक तरह के फॉल्स सॉलिड, मतलब ये सॉलिड नहीं है, सॉलिड जैसे अपियर्स हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इसके एग्जांपल देखते हैं, तो इसके एग्जांपल तो आप सब जानते हैं NaCl, मेटल, डायमंड, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज वगैरह, और इसके जो एग्जांपल होंगे वो क्या होंगे, ग्लास, प्लास्टिक, रबर, सिलिका। ठीक है, तो ये क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या है डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आते भी है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है, ये एनआइसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी, इसको अलग से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आप नोट कर लीजिए फिर अपन आगे करते हैं। नेक्स्ट क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला है कि वाई ग्लास इज सुपर कूल्ड लिक्विड। तो देखो इसको समझने से पहले एक चीज समझते हैं कि जब एमॉर्फस सॉलिड जो बनते हैं वो बनाने के लिए क्या करते हैं, जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट है उनको पहले बहुत ही ज्यादा गर्म करके उसके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसे सडन कूलिंग के अंदर डाल देते हैं, मतलब उसे एकदम ही बहुत ही कम टाइम में उसे बहुत ही ज्यादा क्या कर देते हैं, कूल कर देते हैं, इसे कहते हैं हाइपर कूलिंग। और इस हाइपर कूलिंग की वजह से उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो प्रॉपरली अरेंज होने से पहले ही अपनी अपनी पोजीशन पे क्या होते हैं, फिक्स हो जाते हैं, और इस इररेगुलर अरेंजमेंट की वजह से ही वो कैसे सॉलिड हो जाते हैं, एमॉर्फस सॉलिड। तो ग्लास जो है वो भी क्या है, फॉर्म किया जाता है कैसे, हीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल देन सडन हाइपर कूलिंग, और इस वजह से उनका अरेंजमेंट रेगुलरली नहीं होता, और रेगुलर नहीं होने की वजह से उनमें अभी भी लिक्विड की कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि उनका इररेगुलर अरेंजमेंट, और उनमें फ्लूइडिटी भी होती है, हालांकि बहुत स्लो होती है, और उनमें फ्लूइडिटी भी होती है। अब फ्लूइडिटी होना सॉलिड की प्रॉपर्टी तो है नहीं, तो बेसिकली ये लिक्विड है, और कैसे लिक्विड है, जिनको बहुत ज्यादा क्या किया गया था, कूल किया गया था, सो दे आर लिक्विड विच आर हाइपर कूल्ड टू फॉर्म सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल कोई प्रूफ वगैरह है, तो एक एग्जाम्पल अपनी बुक में दे रखा है कि जो पुरानी बिल्डिंग वगैरह होती है उनकी जो विंडो और डोर जो होते हैं उनके जो ग्लास लगे रहते हैं वो नीचे की तरफ से थिक हो गए हैं वो कंपैरेटिवली ऊपर के, और ऐसा क्यों हुआ होगा, क्योंकि जब वो हीट से थोड़ा सा मेल्ट हुआ होगा तो वो जो है वो फ्लो होकर कहाँ की तरफ आ गया, नीचे की तरफ, तो बोले तो उसमें हल्की हल्की फ्लूइडिटी की वजह से वो ऊपर से नीचे की तरफ क्या होने लगा, फ्लो होने लगा, और ये फ्लो होना क्या शो करता है कि ग्लास में किसकी प्रॉपर्टी, अभी भी लिक्विड की। तो ग्लासेज ऑफ विंडोज एंड डोर ऑफ ओल्ड बिल्डिंग आर फाउंड स्लाइटली थिकर एट बॉटम देन टॉप, इट कैन बी पॉसिबल इफ इट हैज फ्लोन लाइक अ लिक्विड। तो बेसिकली ग्लास जो है वो एक लिक्विड है जिसको मतलब एकदम ही क्या किया गया है, सुपर कूल करके सॉलिडिफाइड किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है सम ऑफ द वेरी ओल्ड ग्लास ऑब्जेक्ट अपीयर स्लाइटली मिल्की इंस्टेड ऑफ ट्रांसपेरेंट, इसको भी समझिए। तो देखो ग्लास जो है मैंने अभी आपको बताया वो सुपर कूलिंग से बनता है और इस वजह से उसके जो रेगुलर अरेंजमेंट नहीं रहते और रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होने से वो एमॉर्फस सॉलिड होता है। अब एमॉर्फस सॉलिड जो है वो आइसोट्रॉपी शो करता है। आइसोट्रॉपी का क्या मतलब है, डिफरेंट डायरेक्शन में उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी एक जैसी रहती है, तो उसका जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो भी क्या रहेगा, एक जैसा ही रहेगा, और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स में अगर कोई चेंजेज नहीं होते किसी भी ऑब्जेक्ट के तो वो कैसा होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। तो जो ग्लास जो होता है वो कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट। अब वो जो पुराने जो ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो क्या होता है, टेम्परेचर की वजह से, जो सराउंडिंग का टेम्परेचर उसकी वजह से थोड़े थोड़े क्या होते हैं, मेल्ट होते हैं, और फिर रात को मतलब कम टेम्परेचर की वजह से वापस क्या हो जाते हैं, कूल हो जाते हैं, और ये कूलिंग जो है वो हाइपर कूलिंग तो है नहीं, तो इस बार जब वो कूल होते हैं तो थोड़ा बहुत उनका अरेंजमेंट कैसा हो जाता है, रेगुलर। कहने का मतलब है ग्लास में कुछ पोर्शन जो है उनका अरेंजमेंट फिक्स हो गया या रेगुलर हो गया, जिसकी वजह से उनका कुछ पार्ट कैसा हो जाता है, क्रिस्टलाइज। अब कुछ पार्ट जो है वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो वाला पार्ट कैसा शो करेगा, एनआइसोट्रॉपी बोले तो उस पार्ट का जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो चेंज होने लगेगा, और इस वजह से वो पार्ट कैसा दिखने लगेगा, मिल्की वाइट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ग्लास आर एमॉर्फस सॉलिड, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम स्मॉल पोर्शन ऑफ इट बिकम मोर अरेंज्ड,
ड्यू टू टेम्परेचर एंड फॉलोड बाय नॉट रैपिड कूलिंग, मतलब रैपिड कूलिंग तो होगी नहीं अब, ड्यू टू इस सम पोर्शन बिकम क्रिस्टलाइज्ड एंड, और उस क्रिस्टलाइज बनने से क्या होगा, इट अपियर मिल्की ड्यू टू वेरिएशन इन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, और उसमें क्या होंगे, वेरिएशन आएंगे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स में, और इस वजह से वो मिल्की हो जाएगा। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन करना है अपन को क्रिस्टलाइन सॉलिड का। देखो मैं पहले भी बोल चुका हूं सॉलिड दो तरह के होते हैं, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। अपन को इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ कौन सा स्टडी करना है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने टाइप के होते हैं, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, अपन सब जानते हैं कि सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्सेज होता है, इंटर पार्टिकल फोर्स होता है या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होता है। वो फोर्स का क्या नेचर है, उस फोर्स का नेचर क्या है, उसके बेस्ड पर जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है चार कैटेगरी में डिवाइड किए गए, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयोनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड और कोवेलेंट सॉलिड, जिसको नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं। तो जो क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है, मतलब जो जिससे मिलकर वो बनना है वो क्या है, आयन है, मॉलिक्यूल्स है या कुछ और है, उसके बेसिस पर ये क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो अपन इनको चारों को एक टेबल में कंपेयर करके स्टडी करते हैं। पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अपन और इन चारों में डिफरेंस देखते हैं कि क्या क्या डिफरेंस है और इन चारों को भी समझते हैं। तो सबसे पहला जो सॉलिड है वो है मॉलिक्यूलर सॉलिड, और नाम से ही क्लियर है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होंगे उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स। अब यहां जो ध्यान देने वाली बात वो है कि जब वो मॉलिक्यूल बना है तो उसके बीच में जो भी बॉन्ड है उस बॉन्ड की वजह से वो सॉलिड स्टेट में नहीं आया। अब जो मॉलिक्यूल बने वो एक मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में, उनके बीच में कुछ वॉन्डरवॉल अट्रैक्शन बनते हैं और उन वॉन्डरवॉल अट्रैक्शन की वजह से वो किस स्टेट में आ सकते हैं, सॉलिड स्टेट में आ सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होते हैं उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स। अब वो मॉलिक्यूल्स पहले से कैसे है, क्या वो नॉन पोलर है या पोलर है, तो अगर उनमें पोलरिटी है तो वो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कहलाएंगे, और या फिर वो हाइड्रोजन बॉन्ड वाले भी हो सकते हैं, अभी देखेंगे अपन, और उनमें पोलरिटी नहीं है तो वो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कहलाएंगे। तो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स, और उनमें नेचर ऑफ जो फोर्स होता है वो कौन सा होता है, लंदन फोर्स, जो वीकेस्ट वॉन्डरवॉल फोर्स होता है, और आर्गन, CCl4, H2, I2, CO2 ये सब इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। अब ये मैं सोचना ये तो CO2 ये तो गैस वगैरह है सर, पर हर चीज की एक कंडीशन पे वो किस फॉर्म में आ सकते हैं, सॉलिड फॉर्म में तो आ सकते हैं, तो वो अपन यहां डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। फिजिकल स्टेट कैसी होगी, अगर ये जब ये सॉलिड फॉर्म में होंगे तो बहुत ही सॉफ्ट होगी और इंसुलेटर होंगे और मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, यही वजह है कि अपन रियल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में इनको सॉलिड स्टेट में नहीं देखते, ठीक है। एक और चीज, CO2 जब सॉलिड स्टेट में होती है तो उसे क्या कहते हैं, ड्राई आइस, ठीक है। नेक्स्ट अपन लेते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, जैसे HCl वगैरह, तो HCl में H+ का और Cl- का होता है, तो इसमें पोलरिटी होती है बॉन्ड में, तो ऐसे जो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं उनमें पोल बन जाते हैं, डाइपोल बन जाते हैं, और अब उनके डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, तो कौन सा वॉन्डरवॉल फोर्स पाया जाएगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ये इंटरेक्शन इनके कंपेयर में थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग होता है और यही वजह कि ये इनके कंपेयर में थोड़े से ज्यादा हार्ड होते हैं, हालांकि स्टिल ये भी कैसे है, सॉफ्ट होंगे, इंसुलेटर होंगे, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होगा, लेकिन इनके कंपेयर में इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इनके कंपेयर में हार्डनेस ज्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है ऐसे मॉलिक्यूलर सॉलिड जो पोलर होने के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की एबिलिटी रखते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है, जब हाइड्रोजन जो होता है वो एक दो अपने से ज्यादा दो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में है, कौन कौन से होने चाहिए, फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, एक के साथ वो कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हो तो दूसरे के साथ वो क्या बना लेता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको मैं आपको यहां समझाता हूं, जैसे H2O में ये देखो HOH और ये HOH, अब ये हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में आ रहा है, फोन वाले एलिमेंट है ना, फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हो सकते हैं, एक के साथ ये बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो दूसरे के साथ ये क्या बना लेगा, एक अट्रैक्शन फील करेगा, जिसको क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन बॉन्ड किस में अपन देखने को मिलता है, वाटर में, वाटर बोले तो आइस फॉर्म में, ठीक है। ये सॉफ्ट होते हैं लेकिन इनके कंपेयर में, इन दोनों के कंपेयर में स्लाइटली हार्ड होते हैं, ये भी इंसुलेटर होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है, आप सब जानते हो आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जीरो से थोड़ा सा बढ़ते ही वो मेल्ट हो जाता है। तो ये अपने तीनों के तीनों कौन से थे, मॉलिक्यूलर सॉलिड।
नेक्स्ट बढ़ते हैं आयोनिक सॉलिड। आयोनिक सॉलिड वो होंगे जो जिनके मतलब पहले आयन बनते हैं और फिर उनके बीच में कुलामिक अट्रैक्शन लगता है। जैसे अपन NaCl को लेते हैं तो NaCl जो होता है वो पहले Na से Na प्लस बनता है, फिर Cl से Cl माइनस बनता है। Na प्लस और Cl माइनस के बीच में कुलामिक अट्रैक्शन से जो बॉन्ड बनेगा जिसको क्या कहेंगे, आयोनिक बॉन्ड, और उससे जो सॉलिड बनेंगे वो क्या कहलाएंगे, आयोनिक सॉलिड। तो आयोनिक सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स। इनके बीच में अट्रैक्शन कौन सा होता है, कुलामिक अट्रैक्शन, जो कि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। एग्जांपल NaCl, MgO, ZnS, CF2। इस चैप्टर में अपन को इन सबको करना भी है। ये हार्ड तो होते हैं लेकिन ब्रिटल होते हैं। अब हार्ड और ब्रिटल का क्या मतलब होता है, हार्ड तो आप सब समझते हो, ब्रिटल मतलब अगर फोर्स लगाए तो ये पाउडर के फॉर्म में बिखर जाते हैं। ठीक है, NaCl आपने देखा होगा सॉल्ट का जो हार्ड वाला पार्ट, मतलब वो जो सॉलिड स्टेट में होता है उसको अपन जोर से हिट करें तो वो ऐसे नहीं होते, उसके टुकड़े होते हैं, वो पाउडर में बिखर जाएगा। तो हार्ड होते हैं लेकिन साथ में क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं। ठीक है, और ये इंसुलेटर होते हैं। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है, जो आयनिक सॉलिड होते हैं वो सॉलिड स्टेट में आयन होने के बावजूद भी सॉलिड स्टेट में कैसे होते हैं, इंसुलेटर, क्योंकि वो आयन फ्लो नहीं कर सकते। जब तक फ्लो नहीं करेगा आयन तो वो कैसे होंगे, इंसुलेटर। लेकिन अगर इन आयनिक सॉलिड को मैं लिक्विड, मतलब किसी वाटर या किसी भी लिक्विड में डिजोल्व करके सॉल्यूशन प्रिपेयर करूं, जनरली ये आयनिक सॉलिड है तो वाटर में डिजोल्व हो ही जाएंगे, तो जो इनका एक्वस सॉल्यूशन होगा वो, या फिर इनको मैं मेल्ट कर दूं तो जो इनकी मोल्टन स्टेट होगी वो, उन दोनों में ये कैसे बिहेव करेंगे, कंडक्टर की तरह, क्योंकि फिर उनके आयन क्या कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं। तो ये जो होते हैं इंसुलेटर होते हैं सॉलिड स्टेट में, लेकिन कंडक्टर होते हैं सॉल्यूशन और मोल्टन फॉर्म में, और इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा हाई होते हैं, क्योंकि इनको मेल्ट करने के लिए ये जो स्ट्रॉन्ग कुलामिक अट्रैक्शन है इसको ओवरकम करना पड़ेगा, जिसके लिए काफी टेम्परेचर देना पड़ेगा। नेक्स्ट है मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड समझने से पहले समझिए चीज को। सपोज करो कि मेटल की बहुत सारी बॉल्स है। अब मेटल जो होते हैं उनके आउटर सेल में से जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो निकलकर उनके सराउंडिंग में पूरा एक सी ऑफ इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं। जैसे ये जो रेड रेड से डॉट किया हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन का एक पूरा सी है, समुन्द्र जैसा समझ सकते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन कहां से आए, मेटल जो होते हैं उनके आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन निकल निकल के ये बन जाते हैं। अब मेटल के ऊपर कैसा चार्ज हो जाता है, पॉजिटिव, और वो सराउंडिंग में किससे घिरे हुए, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन से घिरे हुए, जिसमें हर मेटल आयन सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन से क्या कर रहा है, अट्रैक्शन कर रहा है, और उनके बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स लग जाता है। इस तरह के फोर्स को क्या कहते हैं, मेटेलिक बॉन्ड। क्या कहते हैं, मेटेलिक बॉन्ड। तो मेटेलिक सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो क्या है, पॉजिटिव मेटल आयन इन सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, मेटेलिक बॉन्ड होता है इनका नेचर ऑफ फोर्स, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, गोल्ड, सिल्वर, ये सब किसके एग्जांपल है, मेटेलिक सॉलिड के। और ये हार्ड होते हैं लेकिन इनमें डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है। डक्टिलिटी मेलेबिलिटी अगर आप नहीं जानते मैं बता देता हूं, अगर पीटे तो ये ब्रिटल नहीं होंगे, पाउडर में कन्वर्ट नहीं होंगे, ये इनको अगर बीट करेंगे तो ये थिन सीट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको क्या कहते हैं, मेलेबल होना, और इनसे वायर बनाए जा सकते हैं, इसको क्या कहते हैं, डक्टाइल होना। ठीक है, साथ ही में क्योंकि इनके हर स्टेट में ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये तो होंगे ही, चाहे ये सॉलिड स्टेट में चाहे ये लिक्विड स्टेट में, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, इसलिए मेटेलिक सॉलिड जो होते हैं वो सॉलिड और मोल्टन किसी भी फॉर्म में क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। ठीक है, तो यही वजह है कि अपन अक्सर कंडक्टर जहां यूज करने होते हैं अपन क्या यूज करते हैं, मेटल्स यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इनके भी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, क्योंकि इनके बीच में भी क्या हो रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रहा है। नेक्स्ट है कोवेलेंट सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम होते हैं, उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, और वो कोवेलेंट बॉन्ड बन बन के एक पूरा बड़ा सा नेटवर्क बना लेते हैं, इसलिए इसे नेटवर्क सॉलिड कहते हैं। अपने छोटी क्लास में डायमंड का स्ट्रक्चर पढ़ा हो तो कार्बन 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 ऐसे अरेंज होकर बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर बन जाता है, तो यही वजह इन्हें नेटवर्क सॉलिड कहते हैं, और इनका वो स्ट्रक्चर होता है उसे जायंट मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, और इनमें नेचर ऑफ फोर्स कैसा होता है, कोवेलेंट बॉन्ड SiO2, SiC, AlN, कार्बन, कार्बन किस फॉर्म में, डायमंड और ग्रेफाइट फॉर्म में, कैसे हैं, कोवेलेंट सॉलिड है। फिजिकल स्टेट कैसी होती है, वेरी हार्ड होता है, आपको पता ही है डायमंड जो होता है बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है, सिलिकॉन कार्बाइड भी बहुत हार्ड होता है, सिलिका जो होती है रेत ये भी हार्ड ही होती है, ग्रेफाइट जो है वो स्लाइटली सॉफ्ट होता है, तो कुछ एक्सेप्शन है। और जो कोवेलेंट ये जो सॉलिड होते हैं ये इंसुलेटर होते हैं, लेकिन आप सब जानते हैं ग्रेफाइट कैसा होता है, कंडक्टर। ठीक है, और इनके मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है। इस तरीके से अपने क्रिस्टलाइन सॉलिड के
ये क्लासिफिकेशन हो गया जिसमें चार तरह के सॉलिड थे, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयोनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड और कोवेलेंट सॉलिड। एग्जाम्पल आप अच्छे से याद रखें। अब कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो मैं आपको यहां बता देता हूं, फिर आगे की स्लाइड से उनके आंसर नोट कर लेना। पहला है व्हाई मेटल्स हैज लस्टर, मेटल में लस्टर क्यों होती है। तो देखो ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है, जो मेटल सॉलिड में होते हैं, मेटलिक सॉलिड में, यही फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल की लस्टर के लिए, मेटल की कंडक्टिविटी दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाई डायमंड इज सो हार्ड, डायमंड इतना हार्ड क्यों होता है। तो डायमंड में कार्बन कार्बन के बीच में जो अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट अट्रैक्शन है, और उनके कोई भी बॉन्ड जो है वो फ्री नहीं है। कार्बन की चार वैलेंसी होती है, चारों ही वैलेंसी सराउंडिंग कार्बन से स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड से अट्रैक्टेड होती है, जिससे बहुत ही कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बन जाता है। इसलिए डायमंड क्या होता है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। नेक्स्ट है डायमंड तो इंसुलेटर और ग्रेफाइट कंडक्टर है, ये सब अपन ने 10th क्लास में पढ़ रखा है। जो डायमंड जो होते हैं उसमें हर कार्बन जो होता है चार कार्बन से मतलब बॉन्डेड होता है, जबकि ग्रेफाइट जो होता है उसमें हर कार्बन कितने कार्बन से बॉन्डेड होता है, थ्री कार्बन से। तो उसकी एक वैलेंसी क्या रहती है, फ्री रहती है, और उस एक फ्री वैलेंसी की वजह से वो इंसुलेटर होता है। और उसका स्ट्रक्चर भी कैसा होता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसके कारण वो डायमंड के कंपेयर में थोड़ा क्या होता है, सॉफ्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है व्हाई आयनिक सॉलिड आर कंडक्टर ओनली इन एक्वस और मोल्टन फॉर्म, तो क्यों होते हैं, क्योंकि सॉलिड स्टेट में उनके जो आयन है वो फ्री नहीं है मूव करने के लिए, जबकि वो जब एक्वस सॉल्यूशन या मोल्टन फॉर्म में होते हैं तो उनके आयन जो होते हैं वो फ्री है, फ्री टू मूव। और अब वो किस फॉर्म में किस तरह बिहेव कर सकते हैं, कंडक्टर की तरह। देखो कंडक्टर होने के लिए पहले तो आयन होना चाहिए जो आयनिक सॉलिड में होते हैं, लेकिन वो आयन मूव भी करने चाहिए, और वो मूव तभी कर पाएंगे जब वो मोल्टन फॉर्म में होंगे या एक्वस सॉल्यूशन में होंगे, किसमें, आयनिक सॉलिड में। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरीके से अपन इस वीडियो के इस पार्ट को एंड करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में अपन कुछ और टॉपिक देखेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से नोट करके और खूब सारा पढ़िए, और अगर कोई डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। तब तक खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।